हाय, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. मैं अतुल शेख फ्रॉम एडोराइजन प्राइवेट लिमिटेड. तो आज मैं हूँ बीजीसी ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज चिटागोंग में, बांग्लादेश. तो आज हमारे साथ हमारे बिहार का जो स्टूडेंट है अलीशान, जो कि ना दरभंगा से है. तो ऑलमोस्ट हो गया, 10 एक दिन हो गया है आते हुए और आए हुए हैं, और आज पहला क्लास भी था. तो ओवरऑल एक आइडिया लेते हैं अलीशान से कि भाई बांग्लादेश चूज़ करने का क्या रीज़न था मेनली, और उसमें से बीजीसी ट्रस्ट को क्यों चूज़ किया अलीशान? बांग्लादेश चूज़ करने का ये रीज़न बस यही है कि यहाँ थोड़ा नज़दीक पड़ता है बाकी जगह से, अफोर्डेबल है, पढ़ाई इंडिया जैसी ही पढ़ाई है. NMC का एग्ज़ाम जो होगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, वो निकालने का चांसेस यहाँ से ज़्यादा रहेगा जी. बाकी यहाँ सब कुछ सही है. बीजीसी ट्रस्ट क्यों चूज़ किया अलीशान? यहाँ थोड़ा प्राइस यहाँ का सही है. सही है, बिल्कुल. देखिए, बांग्लादेश में जब आप आते हो तो दो पॉइंट, प्राइस पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ता है. एक, टोटल अमाउंट कितना है. ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको ये ध्यान रखना ये भी पड़ेगा कि फर्स्ट ईयर में कितना पेमेंट करना पड़ रहा है. हो सकता है टोटल पेमेंट को आप अफोर्ड कर पा रहे हो, बट हो सकता है फर्स्ट ईयर का जो बजट, क्योंकि बांग्लादेश में हर कॉलेज में सिस्टम ऐसा है कि टोटल अमाउंट का 40-70% पैसा फर्स्ट ईयर ही ले लेंगे आपसे. और BGC जिस बजट में आता है दोस्तों, बांग्लादेश में कोई कॉलेज नहीं है जो फर्स्ट ईयर 8.5 लाख दे के आप आ सकते हो. उसमें भी अगर थोड़ा बहुत कोई आपको टाइम चाहिए, वो भी हम करवा के दे सकते हैं. देखिए, बहुत बड़ी कॉलेज है जहाँ पे एक कैंपस लाइफ मिलेगा. ऐसा तो नहीं है खाली कॉलेज और आसपास में नहीं, बहुत जगह है. मैं एक्सपीरियंस बताऊँ ना, यहाँ बहुत जगह है. कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, हॉस्टल भी ठीक है, सब कुछ सही है. सब कुछ सही है जी. कितने शेयरिंग रूम हैं यहाँ पे? वैसे तो 3 भी हैं, 2 भी हैं. पर्सनली मैं दो वाले शेयरिंग में रह रहा हूँ, उसके साथ बाथरूम अटैच है. बताइए कौन से कॉलेज में इतना अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, वो भी इस बजट में. अच्छा, ये बता दूं आप सबको कि सारी बातें फ़ोन पे हुआ, काम फ़ोन पे हुआ, पेमेंट से लेके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लेके. तो अलीशान, ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड? ट्रस्ट तो करना पड़ता है. और दूसरी चीज़ ये है कि आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं भैया को, हमारे सारा काम तो भैया ही हमारे आपसे बात करके गए, इसलिए हमको कुछ आइडिया नहीं है इस सब चीज़ का. लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जितना सारा डॉक्यूमेंट दिए थे हमको सब वापस मिला, सब कुछ वापस मिला, जो भी दिए, इवन जो फोटो स्टेट दिए थे वो भी वापस मिला. देखिए, मैं बोलता हूँ बच्चे को बाहर भेजने के बाद भी हमारा जिम्मेदारी रहता है. अलीशान, ये बताओ आपको आने में कोई दिक्कत हुआ? आने के बाद एयरपोर्ट में भी रिसीव? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कॉलेज की गाड़ी आई रिसीव करने के लिए, रिसीव हुआ. हुआ जी. और मैं भी मिलने आया जी, जी. ये हालचाल पूछने आया. देखिए, यही होता है MBBS अब्रॉड, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे को एयरपोर्ट से हमने टाटा बाय बाय कर दिया, नहीं, वो वर्क इज डन. नो, आपको टाइम टू टाइम पूछना पड़ेगा. पेरेंट्स आपके भरोसे बच्चे को भेज रहे हैं, सेइंग और बिलीविंग के भाई आपका वहाँ पे अच्छा नो हाउ है. बच्चे को छोटा से छोटा प्रॉब्लम को हम आज डिस्कस करें, और वी नो दैट देयर आर प्रॉब्लम्स. देखो, हॉस्टल लाइफ ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ रहता है, अप्स एंड डाउन्स रहता है. बट देखिए, प्रॉब्लम को अगर एक दिन में नहीं तो हम उसको गारंटी देते हैं कि उसको विद इन ए वेरी फ्यू डेज उसको सॉल्व करते हैं. इसीलिए आए, भेजने के बाद भी हम मिलते हैं अपने बच्चों से. ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंसी आपको मिलेंगे दोस्तों, जो कि ना आते भी नहीं है बच्चों से मिलने, जो कि ना बच्चों को पूछते भी नहीं है फ़ोन करके, जो कि ना बच्चे के साथ फ्रिक्वेंट विजिट भी नहीं करते. तो ये आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किस कंसल्टेंसी के थ्रू भेजना है, जो ऑफिस में बैठ के डायलॉगबाजी कर रहे हैं. क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होते हैं जो रियली आ नहीं पाएंगे, उनका अपना शेड्यूल रहता है, उनका अपना डिफ़िकल्टीज रहता है, हेल्थ इशू रहता है, बहुत सारी चीज़ रहती है जो नहीं आ सकती. यहाँ पे आके आप हो सकता है उतना भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट ना कर पाए जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना. यहाँ का फ़ायदा बस यही है बहुत ज़्यादा कि बहुत नज़दीक है. मैंने चेक किया, 550-600 किलोमीटर है कोलकाता से, ज़्यादा नहीं है. वो तो 10-12 घंटे में बॉर्डर क्रॉस करके पहुँच सकते हैं. हाँ, बाय रोड. बिल्कुल बिल्कुल. कॉलेज जो हमने आपको इन्फॉर्म किया था जी, मिला जी, बिल्कुल मिला. एक र्यूमर है BGC ट्रस्ट के बारे में कि यार वो सस्ता है तो बहुत बेकार है, एजुकेशन बेकार है, हॉस्टल बेकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. मतलब जो जिनको BGC ट्रस्ट ने एंटरटेन नहीं किया, ऑथोराइजेशन नहीं दिया, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा नेगेटिव करने के लिए. तो आज हम बच्चों से ही पूछ लेते हैं. नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है. क्लास भी सही है, सब कुछ सही है. सही है जी, ठीक है ना सब कुछ.